हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि जो ऑटोकैड की फाइल होती है, लाइक ऑटोकैड 2015, 2018, 2020, होता क्या है कि जो लोग लोअर वर्जन पे काम करते हैं, जो हायर वर्जन पे काम करते हैं, तो उनको फाइल में आपस में ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम होती है। हायर वर्जन की फाइल आप लोअर वर्जन पे नहीं खोल सकते हो, बट लोअर वर्जन की फाइल आप ऑटोकैड हायर पे खोल सकते हो। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं 2015 यूज़ कर रहा हूँ, 13 यूज़ कर रहा हूँ, तो उसे 9 पे खोल सकूँ? तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये कैसे पॉसिबल है और हम लोग कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये हमारी ऑटोकैड की फ़ाइल है और इस ऑटोकैड की फ़ाइल पर हमें सबसे पहले क्या करना है, फाइल पर आना है। फाइल पर आने के बाद हम लोग आएंगे सेव एज पे। सेव एज पे आने के बाद यहाँ पे कहाँ सेव करनी है आप लोकेशन दे सकते हो, नेम पुट कर सकते हो इसमें आप, नेमिंग हमारी कुछ भी हो सकती है। डेस्कटॉप देने के बाद लोकेशन सेव, और अब ये फाइल हमारी चलेगी 10 में। ठीक है, अब इसी फाइल को मैं सेव करता हूँ लोअर वर्जन में, डेस्कटॉप नेम, और अब मैं यहाँ से ले लूँगा फाइल एफ टाइप पे जाके 2007 तक। हमारा जो सबसे लो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और 2000 दिया हुआ है सबसे लोअर वर्जन। तो आप इस वाले लोअर वर्जन पे सेव करने के बाद आप उसको किसी भी वर्जन पे खोल सकते हो, मतलब लोअर से लेके 2001 से लेके 1020 तक कोई भी वर्जन आप ओपन कर सकते हो इस फाइल को। देन आप इसको सेव कर दो और आप अपने लोकेशन पे आने के बाद चेक करो कि वो फाइल हमारी सेव हुई है, ये आ गई हमारी लोअर वर्जन की फाइल। तो ये हमने देखा कि आज हमने लोअर फाइल, किसी भी फाइल को लोअर वर्जन में कैसे सेव किया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको क्वारीज हो, देन यू कैन मेल, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस, हम वो आपकी क्वारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।